हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की पहली क्लास, जिसमें हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो पर स्विच करेंगे। तो ये जो है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी के बारे में। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि लंग्स वॉल्यूम क्या है, कैसे मेजर किए जाते हैं, कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सी ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप प्रॉपर इन वॉल्यूम को या कैपेसिटी को मेजर कर लेते हैं। तो जो आपका लंग वॉल्यूम है, मेजर विथ स्पायरोमीटर एंड लंग कैपेसिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ दीज वॉल्यूम। क्योंकि जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो मतलब आप किसी छोटी चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैपेसिटी कहते हैं तो कैपेसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर आप रूटीनली 20 से 25 केजी का वेट उठा सकते हैं और मैं आपसे कहूं कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, तो मे भी आप कहें कि मैं 40 केजी ले सकती हूं, मैं 45, मैं 50 केजी, टोटली अप टू यू। तो कैपेसिटी जो है वो बेसिकली मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही है कि जो लंग्स का वॉल्यूम रहेगा उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा। मैं अभी आपको बताऊंगी आगे चल के कितने टाइप के वॉल्यूम है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मोर देन टू वॉल्यूम का या टू वॉल्यूम्स का। फिर क्या है, सेकंड है स्पायरोमीटर, जो है ऑल्सो कॉल्ड रेस्पायरोमीटर, मेजर दीज पैरामीटर एंड द डेटा इज रिकॉर्डेड इन स्पायरोग्राम। तो जो आपका स्पायरोमीटर है उसको रेस्पायरोमीटर भी कहा जाता है, और इसका जो डेटा है, जैसे हमने ईसीजी में देखा था कि वेव्स थी, इसमें भी बिल्कुल कुछ कुछ वेव्स होती हैं, और उस पूरे ग्राफ को क्या कहा गया था, रेस्पायरोग्राम कहा गया है। फिर क्या है, इन अ रेस्पायरोग्राम इनहेलेशन जो है इज एन अपवर्ड डिफ्रेक्शन एंड एक्सहेलेशन है वो डाउनवर्ड डिफ्रेक्शन होता है। जैसे अगर आप ये दिखाएंगे स्पायरोमीटर में तो ऐसी कुछ वेव्स बनती हैं। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाना, ये आपका होता है इनहेलेशन, और ये जो डाउनवर्ड होता है ये होता है आपका एक्सहेलेशन। ठीक। अब लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी टेंड टू बी अ लार्जर इन मेल, टॉलर इंडिविजुअल, यंगर एडल्ट, दोज एट हायर एल्टीट्यूड एंड नॉन ओबेस्ड इंडिविजुअल। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर लंग आप कैपेसिटी या वॉल्यूम की बात करें तो मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। उसका रीज़न ये है कि उनके मेल्स की अगर हम चेस्ट एरिया की बात करें, यदि शोल्डर्स की बात करें, तो वो ब्रॉड होते हैं कंपेयर टू फीमेल। यदि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपका लंग्स का वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो ये डिपेंड करता है एंड ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। फिर यदि आप डायग्नोस करेंगे और अगर आप किसी भी तरीके की कोई वेरिएशंस पाते हैं, जैसे हम स्पायरोग्राम में देखेंगे अगर कोई वेरिएबिलिटी आती है इंस्पिरेशन में एंड एक्सपिरेशन में, तो वो बेसिकली रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बताता है। और ये जो है टू बी प्रेडिक्टेड नॉर्मल वैल्यू बेस्ड ऑन द जेंडर, हाइट एंड एज। और ये जो वैल्यू है कि कम है कि ज़्यादा है, ये हम इस बेसिस पे भी देखते हैं कि अगर जैसे कोई पर्सन है, अगर कोई एजड पर्सन है, कोई अडल्ट पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो अडल्ट है उसका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एज्ड पर्सन। तो जब भी हम एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं तो पहले हम ये भी देखते हैं कि उस वो किस एज ग्रुप का है, उसकी साइज़ क्या है, वो वीक तो नहीं है, वो स्ट्रांग तो नहीं है। क्योंकि पता चले कि कोई पर्सन ऑलरेडी वीक है और अगर उसकी इंस्पिरेटरी या इसमें भी एबनॉर्मलिटीज़ है तो हमें लगे उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, जबकि उसको कोई एबनॉर्मलिटी हो ही ना, वो वीक है, इस वजह से उसका स्पायरोग्राम जो है वो वेरिएशन को शो कर रहा है। चलो अब हम ये बात कर लेते हैं जरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जिन्हें लंग्स वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो पहला वॉल्यूम कौन सा है, पहला वॉल्यूम है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या है, जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूं तो नॉर्मली मैं एयर को ले रही हूँ और एयर को छोड़ रही हूँ, यहाँ पर कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, मैं किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगा रही, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, कोई फोर्सफुली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर रही,
तो इस तरीके का जो वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम है, मतलब मैंने कम एयर ली, कम एयर एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर की, तो ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम है जो विदाउट एनी फोर्स लगता है। तो इसको जरा मैं एक डायग्राम के थ्रू जैसे बताती हूँ, तो इसको मैं दे देती हूँ नाम टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जो विदाउट फोर्स है। और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 500 ml होता है। ये टिपिकली 500 ml जो है आप एयर, जो टाइडल वॉल्यूम है वो बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के दौरान आप इसको निकालते हैं। फिर सेकंड क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है रिजर्व्ड, मतलब कि एक ऐसा वॉल्यूम, एक ऐसा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा हो। जबकि टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा है तब जाके आप उसको रिजर्व्ड कैटेगरी में रखें, क्योंकि हम रिजर्व कैटेगरी में किसी चीज को तब रख सकते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जो फोर्सफुली आप इनहेल करेंगे। टाइडल वॉल्यूम ने में आपने 5 ml अगर गैसेस को लिया, लेकिन जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है आपने फोर्सफुली लिया, और वो कितना लिया आपने, 500 से बढ़ के अगर आप 3100 तक ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली, जैसे ये अगर मैंने इतना फोर्सफुली लिया, तो अभी जो मैं अभी 500 की कैटेगरी में थी अब वो बढ़ के कितना आ गया, 3100। तो ये होगा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो मैं इसको यहां लिख दू ऐसे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम में जितना आप एक्सपायर कर रहे थे अब आपने फोर्सफुली और ज्यादा एक्सपायर करा। जितना कि आपने एक्सपायर 500 ml अगर कर रहे थे, तो आपने किया क्या कि आपने फोर्सफुली उसको एक्सपायर कर दिया, ठीक है, तो वो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। मतलब अभी आप इतना कर रहे थे अब आपने और ज्यादा एक्सपायर करा, जैसे। तो ये जो है ये कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब 500 से बढ़ ये जब आप 1000 ml जो है एक्सपायर करेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि ये बढ़ा है, ये घटा हुआ है। मतलब ये टाइडल वॉल्यूम में अगर अभी आप उसको 500 ml दे रहे थे बाहर, अब आप बॉडी से उसको 1000 ml देने लगे। समझो इस बात को, ऐसे समझो कि अभी आप एक्सपिरेशन के थ्रू टाइडल वॉल्यूम में यदि आप 500 ml बाहर निकाल रहे थे, तो अब आपने 1000 ml बाहर निकाल दिया। तो टाइडल वॉल्यूम से ये ज्यादा एक्सपिरेशन में ज्यादा वो कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, तो मैं इसको टाइडल वॉल्यूम के नीचे लिख दे रही हूं। अब उसके बाद है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अब रेजिड्यू हमें पता ही है, रेजिड्यू मतलब क्या होता है, जो आपका बचा हुआ हिस्सा, जब आपने सारे काम कर दिए और जो आपके पास छोटा सा बड़ा जो भी बचा उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम रेजिड्यूअल। तो जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम होती है वो क्या होता है, द एयर वॉल्यूम दैट रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सहेलेशन। कि जैसे आपने क्या किया कि फोर्सफुली पूरी गैसेस निकालने की कोशिश करी, स्टिल आपके पास कुछ वॉल्यूम बचा, इसके बाद ये जो वॉल्यूम बचा है वो आएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम में। अब ये क्यों बचा हुआ होता है, क्योंकि ये जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है इसका लंग्स के अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरी ही एयर को लंग्स के बाहर निकालोगे तो आपके लंग्स पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाएंगे। तो नेचर ने ही इनको इतने ब्यूटीफुली ड्रॉ किया है, इतने ब्यूटीफुली बनाया है। तो होता क्या है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा आपके लंग्स में रहता है। तो इसका मतलब, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि जब हम बचपन में थे तब से जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो अभी भी है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा सा है कि जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी को भरा, फिर आपने उस पानी को भरा, जो दूसरा पानी आपने डाला, दूसरा पानी डाला, इस तरीके से, तो ये सारा रिसाइकिल होता रहता है। लेकिन इसमें जो फाइव जो आप इसमें कितना है, इसमें है जैसे 1200 ml, ठीक है, तो जो आपका ये 1200 ml तक की कैपेसिटी है ये हमेशा भरी की भरी ही रहेगी। मतलब बिल्कुल वैसा ही कि आप टंकी से पानी भरिए, निकालिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आप ये जो 1200 ml है ये आप नहीं निकाल सकते। तो क्या होगा कि मिक्सिंग होगी, नया पानी आएगा, उसी में मिक्स हुआ आपने निकाल दिया, फिर नया पानी आया उसमें मिक्स हुआ आपने निकाल दिया, तो मिक्सिंग होती रहती है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो न्यू वॉल्यूम, जो न्यू एयर है उसके साथ मिक्सिंग उसकी होती रहेगी, स्टिल जो आपका 1200 है वो बचा का बचा रहेगा अगर आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट क्या है, एनाटॉमिकल रेस्पिरेटरी डेड स्पेस। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि आपके जो एटलीस्ट नोज से लेके आपके टर्मिनल ब्रोंकियाई तक, यहाँ पर गैसेस का कोई एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं वो कैसी रहती हैं, वो भरी हुई बस रहती हैं, एक्सचेंज नहीं होता। तो यही वाला एरिया आपका कहलाता है एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस, या डेड स्पेस इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, बस गैसेस आपकी जो है यहाँ पे भरी हुई होती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब अगर 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम है, तो ये जो 350 ml है ये आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगा। और ये क्या होता है, स्टे इन कंडक्टिंग एयर वे एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल में कितना वॉल्यूम है उसके बारे में मेंशन करा है। जैसे अगर आप हेल्दी एडल्ट की बात करें तो वो 12 टाइम पर मिनट जो है वो ब्रीथ करता है एंड मूविंग अराउंड 500 ml ऑफ द एयर पर ब्रीथ, मतलब एक बार सांस लेने और छोड़ने में कम से कम 500 ml जो है, मतलब 0.5 liter जो है वो ब्रीथ करता है एक नॉर्मल पर्सन, जिसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एंड द 30% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम इज स्टे कंडक्टेड इन एयर वे फॉर्मिंग द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एक्चुअली ये जो है ना 70%, बहुत सी बुक्स इसको 70% कहती हैं, बहुत सी बुक्स इसको 30% कहती हैं। तो ये जो 30% है ना, आप इसी को मान के चलो, क्योंकि ये जो है ना ये गिलबर्ट ने कहा है, जो गिलबर्ट की बुक है उसमें 30% लिखा हुआ है। जो पीछे वाली स्लाइड थी मैंने उसमें 70% मेंशन करके रखा है, तो आप उसको मत देखिए, आप ये 30% ही हमें मान के चलना है कि जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है उसमें जो है हमारी 30% एयर जो है वो एयर वे पाथवे में होती है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो अलाउ फॉर द एक्स्ट्रा इनहेल एयर, जैसे 3,100 ml इन मेल और 1,900 ml इन फीमेल में होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये 1200 मेल में होगा एंड 700 इन फीमेल में होगा। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये 1200 इन मेल में होगा एंड 1100 इन फीमेल में होगा। तो बेसिकली ये डेटा अगर आप नॉर्मल मेल और फीमेल के रेशियो में देखें, जैसे कि मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि उनमें डिफरेंस होता है, तो इस तरीके का लंग्स वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में या लंग कैपेसिटी के बारे में। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हम मोर देन 2 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब आप जब दोनों वॉल्यूम को जोड़ दोगे तब जाके हमारी कोई कैपेसिटी बनती है। तो पहली क्या है, रेस्पिरेटरी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो किस किस वॉल्यूम से मिलकर बनेगी, जहां जहां पर भी हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक था हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर था हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर था हमारा टाइडल वॉल्यूम, और सबसे ये ऊपर वाला था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ, जब मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूंगी तो एक तो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एंड सेकंड हमारा टाइडल वॉल्यूम में भी तो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते थे। तो कैपेसिटी मैंने आपसे कहा जब हम मैक्सिमम बात करते हैं तो हमें उन सारे वॉल्यूम को ऐड करना है जहां पर हमने इंस्पिरेशन किया है। तो इंस्पिरेशन हमने दो जगह किया, एक तो हमने यहाँ फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया था जिससे हमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला था, एंड सेकेंड जो टाइडल वॉल्यूम था उसमें भी हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी इंस्पिरेशन रिजर्व कैटेगरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ये हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो बिल्कुल सेम होगा, हमें फिर देखना है कैपेसिटी देखनी, हमें सारा वॉल्यूम काउंट करना है जहां जहां हमने एक्सपिरेशन किया था। तो कहां किया है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम में भी हमने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया था। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू होगा आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी
रेजिड्यूअल मतलब कि जो हमारा फोर्सफुली एक्सपिरेशन था उसके बाद में जो हमारा वॉल्यूम बढ़ा दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम मतलब एक ऐसी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम हो प्लस में वो फंक्शनल हो, तो वो कौन सा होगा? एक तो आपका फोर्सफुली एक्सपिरेशन होगा प्लस में आपका रेजिड्यूअल। क्यों? क्योंकि जब हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं करते और टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होगा। तो जो फोर्सफुली एक्सपिरेशन के थ्रू हमारी एक्स्ट्रा एयर निकली है, जैसे अब मैं जानबूझ के अगर फोर्सफुली एक्सपिरेशन करूं, ठीक, तो जब मैंने ये फोर्सफुली एक्सपिरेशन करा तो जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम के बाद हमारा फोर्सफुली मतलब एक्सपिरेशन रेजिड्यूअल वॉल्यूम था वो भी तो हमारा था। अगर मैं उसको फोर्सफुली नहीं करती तो वो भी हमारा बचा हुआ रहता। तो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी मतलब ऐसे हम वॉल्यूम की बात करेंगे जो रेजिड्यूअल हो, जो बचे हुए हो। तो एक तो आपका प्योर रेजिड्यूअल वॉल्यूम इसका पार्ट है, प्लस में आपका एक्सपिरेटरी रेजिड्यूअल वॉल्यूम भी इसका पार्ट है, क्योंकि फोर्सफुली एक्सपिरेशन के थ्रू ये बाहर निकला है। अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं करते तो ये एज अ रेजिड्यूअल वॉल्यूम हमारी बॉडी में रहा ही आता। फिर हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब आपकी वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होती है? अब आप रेजिड्यूअल वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, क्योंकि रेजिड्यूअल वॉल्यूम को आप किसी शर्त पे बाहर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई आपके लंग्स बाहर निकाल के उनको पूरे तरीके से कोलैप्स ना कर दे। तो आप अगर खुद से चाहें तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते, तो ये वाइटल कैपेसिटी का पार्ट नहीं है। वाइटल कैपेसिटी में वो सारे पार्ट आएंगे जो अंडर आपके कंट्रोल हैं, जिन्हें आप इंस्पायर्ड कर सकते हैं, एक्सपायर्ड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टाइडल वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। फिर आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, हमें पता है कि जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होगी वो इज इक्वल टू होगी आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है कि मतलब हम कितने वॉल्यूम को एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो आई होप कि लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी क्या होती है। वॉल्यूम जब सिंपली आप छोटी बात करें वो कैपेसिटी में आपको दोनों वॉल्यूम को जोड़ देना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जहां जहां हमने इंस्पिरेशन कराया, चाहे फोर्सफुली कराए चाहे नॉर्मल कराए। एक्सपिरेटरी जहां जहां हमने एक्सपिरेशन कराया, चाहे फोर्सफुली कराए चाहे नॉर्मल कराए। रेजिड्यूअल रेजिड्यूअल वॉल्यूम है, प्लस में अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन ना करें तो वो भी वॉल्यूम आपका रेजिड्यूअल कैपेसिटी में आएगा। वाइटल कैपेसिटी अगर आप रेजिड्यूअल वॉल्यूम को छोड़ दें तो जिन जिन वॉल्यूम को आप अंदर या बाहर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आपको पता है कि सबको जोड़ दीजिए। अब ये लंग कैपेसिटी मैंने मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करी है। जैसे अगर आप मेल की बात करें तो ये 3600 ml मेल में है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड 2400 आपकी फीमेल में है। अगर आप फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करेंगे तो आपकी जो मेल है उसमें 2400 और फीमेल में 1800 है। वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो 4008 ml आपके मेल में है और बाकी 3001 ml फीमेल्स में है। टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो 6 लीटर या 6000 ml जो है वो आपकी उसमें होगी मेल में होगी एंड 4200 ml जो है वो फीमेल में होगी। लेकिन इसमें मैंने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में नहीं मेंशन करा है। इंस्पिरेटरी फंक्शनल एंड वाइटल कैपेसिटी अब आपको करना क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रा ढूंढ के कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए मेल में और फीमेल में। ध्यान से बता ही देना क्योंकि जो जो बच्चे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि बाकी में पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक, तो ये मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा है, जरा एक बार ढूंढो और मुझे बताओ। ठीक, कौन सा बताना है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी क्योंकि मैंने मेंशन करा है। अब माइन्यूट वेंटिलेशन जो है इज अ टोटल एयर वॉल्यूम ब्रीद इन एंड आउट ईच मिनट टिपिकली अराउंड 6 लीटर हो सकता है या 6000 ml पर मिनट। वेंटिलेशन मतलब सिंपल एयर को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना। क्या होता है आपका? वो होता है आपका वेंटिलेशन मतलब माइन्यूट वेंटिलेशन। अगर आप इसकी वैल्यू कहें तो वो 6 लीटर पर मिनट होती है।
अब यहां पर मैंने आपको स्पायरोमीटर का एक डायग्राम शो करके रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्पायरोग्राम बताऊंगी कि ये वाकई में ड्रॉ कैसे होता है। तब होगा क्या, अगर कोई पर्सन है, अब वो सफर कर रहा है किसी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, ठीक है, अब उसका लंग वॉल्यूम, उसकी लंग कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी इंस्पिरेशन में, उसके एक्सपिरेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो ही हमें ये स्पायरोग्राम बता देता है। तो ये होता कैसे है कि जैसे कोई पर्सन यदि दिक्कत हो रही है उसको ब्रीदिंग में, तो क्या करते हैं उसके माउथ में, माउथ के अंदर ये पाइप लाइक, ये है आपका स्पायरोमीटर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर डाला जाता है, ठीक है। अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, नीचे भरा हुआ है वाटर, और ये पाइप जो है ये एक ड्रम, ये पूरा एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है, इस ड्रम में भरी हुई है एयर, इस ड्रम में एयर भरी हुई है, और वो जो ड्रम है वो पानी के अंदर एक ये बीकर है उसमें रखा हुआ है। फिर क्या किया है, ये जो ड्रम है यहाँ पे इसने एक वायर जैसे बांध के रखा है, और ये बिल्कुल वैसा सा है जैसे कुएं से हम जब पानी खींचते हैं, अगर किसी ने खींचा हो तो कुएं से जब हम पानी खींचते हैं तो बीच में एक रोलर जैसा लगा हुआ रहता है, तो रस्सी जब आप ऐसे खींचते हैं तो वो जो रोलर है वो भी बेसिकली आपका अप एंड डाउन होता है, और आपकी जो बकेट है वो अंदर जाती है बाहर आती है। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे कि ये आपका रोटर लगा हुआ है, और यहाँ से कनेक्ट करा है उनने इस नेडल को या पेन को, ठीक। तो अब होगा क्या, अब इसको समझने की कोशिश करो। अब इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप इंस्पिरेशन करिए, मतलब आप सांस लीजिए। जब इसने सांस ली तो हुआ क्या कि जैसे ही इसने ये सांस ली तो ये यहाँ पे जो एयर थी, इसने सांस ली तो ये एयर पूरी इसके अंदर गई, तो ये जो इसमें देखो ये वाटर था, इसने जैसे ही सांस ली, इंस्पिरेशन किया, तो ये जो ड्रम था ये नीचे की तरफ आया, ये ड्रम जो था नीचे की तरफ आया, क्यों, क्योंकि इसमें जितनी भी एयर थी इन्होंने इसको खींचा, तो ये जो ड्रम था ये नीचे की तरफ आया, और जब ये ड्रम नीचे की तरफ आया तो ये जो पेन था ये ऊपर की तरफ हुआ। कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी, एक सेकेंड, ये पेन है, ये पेन बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है, यहाँ पे पेपर है, एक पर्सन है जिसके यहाँ पे एक पंप को फिक्स किया गया है। अब उससे कहा गया है कि आप इंस्पिरेशन करिए, जैसे ही इसने इंस्पिरेशन किया तो ये जो एयर वाला ड्रम है ये ऐसे नीचे आया, जब ये एयर वाला ड्रम नीचे आया तो आपका जो पेन है वो इस तरीके से उठा, तो जब ये इस तरीके से उठा तो अभी यहाँ था और अब ऐसा सा हुआ, तो कैसा हुआ कि ये आपका यहाँ पे पेन था, जैसे ही आपका ये नीचे की तरफ खिंचा और आपका पेन ऐसा हुआ तो इसने एक ऐसी वेव बना दी ऊपर की तरफ। अब फिर क्या कहा गया कि अब आप सांस को छोड़िए, जैसे ही इसने सांस को छोड़ा तो अभी जो ये आपका जो ड्रम था वो नीचे की तरफ आया, अब ये ऊपर की तरफ चला गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने सांस को छोड़ा तो अभी हमने उसको खींचा था, अब हमने उसको जैसे ही छोड़ा तो ये ऊपर की तरफ गया। तो जैसे ही अगर अब आप क्या करेंगे, ये पेन है अब ये स्टेबल हो गया, जैसे ये स्टेबल हुआ और अब अगर आप सोचे कि आप इसको फिर ऊपर की तरफ, जैसे ही ऊपर की तरफ ये फोर्स लगेगा तो ये जो पेन है ये नीचे की तरफ आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे ही ये ऊपर गया तो ये फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से फिर अगेन इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपिरेशन हुआ, इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपिरेशन हुआ। तो ये तो हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, कि आपको समझ में आया कि कैसे प्रिंसिपल पे काम करता है, कि सिंपली ड्रम का नीचे की तरफ आना तो पेन ऊपर की तरफ जाएगा या नेडल आपके ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही आपका ड्रम जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो नेडल आपकी या पेन आपकी नीचे की तरफ आएगा। तो ये टाइडल वॉल्यूम, अगर इस तरफ ऐसे आ रहा है तो ये टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन सडन एकदम से अगर आपकी नेडल अपवर्ड हो गई, क्यों, क्योंकि आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, जब आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया तो यहाँ की आपने मैक्सिमम एयर जो है नीचे की तरफ खींच ली, तो ये सडन एकदम नीचे की तरफ आया ड्रम, जब ये सडन नीचे की तरफ आया तो ये पेन और ऊपर उठ गया, जब ये ऊपर उठा तो उसने इस वेव को बनाया, तो ये क्या है, आपकी मैक्सिमम इंस्पिरेशन है। तो ये जैसे ही आपका स्पायरोग्राम आपकी मशीन पे ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो उससे आप समझ जाते हैं कि ब्रीदिंग में कहाँ प्रॉब्लम है,
जो कोई पर्सन है, जो पेशेंट है, वो इंस्पिरेशन फोर्सफुली कर रहा है या एक्सपिरेशन फोर्सफुली कर रहा है। अब अगेन पता चले इसने फिर टाइडल वॉल्यूम पे आया, फिर हमने देखा कि एकदम से इस पर्सन ने एक्सपिरेशन बहुत तेज किया, मतलब जितना ज्यादा एयर थी उसको बाहर निकालने की कोशिश करी। तो क्या हुआ कि आपका ये जो है बेब जी, बेब जो थी वो नीचे आ गई। फिर इसने फिर इंस्पिरेशन फोर्सफुली करा, फिर एक्सपिरेशन फोर्सफुली करा। तो ये जो स्पाइरोग्राम है इस तरीके से दिखाता है। तो ये जो आपका है ये क्या है, आपका टाइडल वॉल्यूम है। ये क्या होगा, ये होगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि फोर्सफुली किया गया है। फिर ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जो नीचे का होगा जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद का भी जो वॉल्यूम है वो होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस टाइडल वॉल्यूम है वो है आपका यहाँ से यहाँ तक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये जो है आपकी ये वाइटल कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें तीनों है, इंस्पिरेटरी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। और ये वाली जो है ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक है टोटल लंग कैपेसिटी, और आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम ये है आपके फंक्शनल रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये ऐसे काम करता है। अब आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि ये कैसे हम स्पाइरोग्राम को नोट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। और ये वाला ग्राफ आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, जैसे मैंने जो बताया इसमें कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, बस नीडल ऊपर नीचे जा रही है। आपको पता है अगर ऊपर गई तो इंस्पिरेशन, नीचे गई तो एक्सपिरेशन, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और अगर ये ग्राफ भी आपको आता है तो अगर आपको पता है ये टाइडल वॉल्यूम है, ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन है, तो आप उसी से कैपेसिटी जो है ड्रॉ कर लेंगे, और वो इसमें कहा गया है। और यहाँ पे मैंने वो टोटल लंग कैपेसिटीज वगैरह जो है मेंशन करके रखी है, लेकिन आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मुझे बतानी है क्योंकि इसमें भी वो नहीं है। ये देखो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मैंने बताया उसकी रेंज क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम की क्या होगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, TLC टोटल लंग कैपेसिटी है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम है, और बाकी आपकी वाइटल कैपेसिटी है। अगेन ये स्पाइरोग्राम भी वही है, इसको मैंने थोड़ा सा और मतलब अच्छे से बता दिया, वहां पे एक छोटा सा डायग्राम था, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है। तो ये देखिए ये पूरा हमारा टाइडल वॉल्यूम है, बिना फोर्सफुली आराम से हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं। ये क्या है आपका, ये आपका एक्सपिरेशन है, और ये वाला जो है ये देखिए ये जैसे नीचे की जो वेव है एक्सहेलेशन को बता रही है, जो ऊपर हमने एकदम से लिया था ये था हमारा इंस्पिरेशन, और ये बाकी यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है। अब ये चार्ट है जिसको मैंने एक रिवाइज्ड फॉर्म में आपको दे दिया है कि मेल में कितना है एंड फीमेल में कितना है। जैसे वाइटल वॉल्यूम आप टाइडल वॉल्यूम आप देखेंगे कि मेल में 500 ml होता है, फीमेल में होता है 400। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का बता दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मुझे बताना आप लोग जरा देख के, ठीक। तो ये जो हो गया पूरा हमारा लंग एंड कैपेसिटी के बारे में हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन है वो आज मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन है वो सब मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम O2 ट्रांसपोर्टेशन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, जब तक वो आप नहीं पढ़ोगे आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो खामा का डिसअपॉइंटेड हो जाते कि मेरे पे बन नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें अभी उसको सॉल्व नहीं करना है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और पढ़ लेंगे जो नेक्स्ट अपकमिंग 2 लेक्चर्स होंगे, तो फर्स्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 पढ़ेंगे और नेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, प्लस में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन तब तक करना क्या है, ये जो मैंने बताया ये पूरा याद कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे CSIR में आप क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे मेल और फीमेल में कितनी कैपेसिटी है, ये भी नहीं पूछ रहे हैं। गेट में भी इसके बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेंगे हमें बता दीजिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, या दे देंगे कि वॉल्यूम इतना है, मतलब ऐसे कह देंगे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, टाइडल वॉल्यूम इतना है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है। अब आप हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बताइए,
तो अगर आप ये फॉर्मूलाज याद कर लेंगे, जबकि फॉर्मूला में कुछ है ही नहीं, मैंने आपको सबका डिटेल कंसेप्ट बता दिया कि कैसे पढ़ना है, तो इतना ही याद रख लोगे तो आराम से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो करना क्या है, ये एकदम बिल्कुल घोल के पी लो, सारी चीज़ें याद करा लो। और मैं हमेशा एक चीज़ यहाँ मेंशन करती हूँ, ये मैं जो जो आपको यहाँ पे करा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप कुछ उसमें स्किप नहीं कर सकते। एक चीज़, सेकेंड थिंग इज दैट मैं सारा आपको बेसिक ही बता रही हूँ, एडवांस पे मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो बेसिक में ही आप देख रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन CSIR वाले सॉल्व हो रहे हैं, बस हमें डिटेल में पढ़ना होता है ना, सारे कंसेप्ट को, मतलब कंसेप्ट की एकदम कमर तोड़ दो, ऐसे पढ़ लो उसके लिए कि कहाँ से शुरू हुआ है, अगर 1 सेंटीमीटर भी यहाँ से यहाँ डायरेक्शन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म एक्शन। अगर आपने इतना ही उस बेसिक का पढ़ लिया तो आप CSIR का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एनिमल फिजियोलॉजी का जो आप ना कर पाए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है रिवाइज्ड करो, रिकॉल करो, और किसी ना किसी दिन लाइव क्लास होगी तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। तब तक आराम से रिवाइज रिकॉलिंग करते रहो। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।